है आपको कि आगे चल के हम लोग 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको और डिटेल में। ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। और ये NH3 का चार्ज जीरो होता है, तो चार्ज जीरो है तो चार है तो जीरो ही टोटल चार्ज है, तो कॉपर के ऊपर टू होगा, कॉपर के ऊपर टू होगा, SO4 के ऊपर -2, इसलिए इसके ऊपर +2। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा अगर NH4OH एक्सेस में है तो। नहीं तो अगर ये वाला रिएक्शन नहीं है तो ये भी लिख सकते हो आप कि अगर केवल अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हो रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ तो टेट्राएमाइन कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड, सल्फेट की जगह पे हाइड्रोक्साइड। बस देख लो, टेट्राएमाइन कॉपर सेकेंड तक तो सेम है, बस जब ये सल्फेट होगा तो वहां पे सल्फेट आएगा, अगर OH होगा तो केवल OH का होल ट्वाइस आ जाएगा। बताओ क्या 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 और पूछना है इसमें, पूछो जरा। हैं क्या चल रहा है भाई, एक बार फिर से बता दीजिए सर, एक बार फिर से बता दीजिए, कितनी बार बताएं भाई हैं? क्या समस्या पूछोगे तब तो हम बताएंगे, फिर से समस्या क्या है, डाउट कहाँ पे है, क्या हो रहा है। कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर का सॉल्ट लेना था, कॉपर का सॉल्ट लिया, कॉपर सल्फेट रिएक्शन कराया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। चलो देखो जरा फिर से रिएक्शन ही कर देते हैं हम। यहाँ पे हमने लिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया। ये एक्सेस में है नहीं है अभी पता नहीं हमें, बाद में हमको बोलेगा एक्सेस में अगर है तो क्या होगा। नॉर्मली जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर के साथ ये हाइड्रोक्साइड चला जाएगा, अमोनिया के साथ सल्फेट, तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस प्लस अमोनियम का जो सल्फेट बनेगा वो क्या होगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये बन जाएगा। ये तो सिंपल है, लेकिन अगर अगर इफ ये एक्सेस में हुआ तो ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज फिर से किसके साथ रिएक्ट करेगी, किसके साथ रिएक्ट करेगी पता है? ये फिर पूरी चीज किसके साथ फिर से रिएक्ट करेगी, NH4OH के साथ। तो NH4OH प्लस CuOH का होल ट्वाइस प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये बना देता है आपका रिएक्शन करके। अब ये चीज तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी जो बनता है। टेट्रा क्या बनता है? टेट्राएमाइन। तो कॉपर का टेट्राएमाइन मतलब NH3 का 4 कर लो, और कॉपर के साथ है इसको पूरे को एक ब्रैकेट में, और सल्फेट को, अरे हाइड्रो सल्फेट को बाहर, अगर सल्फेट के साथ रिएक्शन हुआ है तो ऐसे खत्म। टेट्राएमाइन कॉपर ये जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट, हाँ तो याद ही करना पड़ेगा। हाँ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है ये। अब इसको याद करने में हम हेल्प ये कर सकते हैं कि ये कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे +2 होगी, सल्फेट का -2 होता है, तो ये अमोनिया का 0 होगा। और टेट्रा नाम बोल रहा है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, तो टेट्राएमाइन बोल रहा है, ठीक, टेट्राएमाइन, ठीक। उसके बाद कॉपर बोला, कॉपर की वैलेंसी सेकेंड 2, और उसके बाद सल्फेट, काम खत्म। नहीं समझ में आया? सर आ गया। और अगर ये रिएक्शन ना हो के ये वाली रिएक्शन होती है, मान लो ये रिएक्शन ना हो के ये वाली रिएक्शन अगर एक्सेस में है तो केवल कॉपर हाइड्रोक्साइड अगर इसके साथ रिएक्ट होता है तो, केवल कॉपर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हुआ किसके साथ, आपके NH4OH के साथ, तो ये क्या बनाता है, यहाँ पे सल्फेट की जगह पे हाइड्रोक्साइड है, बस ये ध्यान रखना है। क्या बनेगा, अभी भी हमारा टेट्राएमाइन ही बनेगा, तो CuNH3 का होल 4 एक ब्रैकेट में, और बाहर में OH का होल ट्वाइस, क्योंकि OH के ऊपर -1 होता है आपको पता है, तो 2 OH रखना पड़ेगा इसलिए -2 होगा। तो इस कॉपर के ऊपर अभी भी +2 है, ये 0 है और इसका -2 है, तो इसका नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, टेट्राएमाइन, टेट्रा
एमाइन अभी भी है, कॉपर अभी भी प्लस टू में है तो कॉपर सेकेंड, और हाइड्रोक्साइड है इसलिए इसको हाइड्रोक्साइड। ठीक है, yes, sir. यही सेम रिएक्शन yes. जिंक के साथ होगी, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। देखना है क्या उसको भी? देखो भाई, हमने लिया था ZnSO4 जिंक का सॉल्ट, रिएक्शन करा दिया एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ, क्या बनेगा? स्ट्रेट कट आपको पता है क्या बनेगा, ZnOH के साथ NH4 इसके साथ, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है। क्या कर रहे हो आप लोग? प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4। अभी ये अगर एक्सेस में है, अगर ये एक्सेस में है तो एक बार होगा कि ये पूरी चीज रिएक्ट कर ले किसके साथ? एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो लिख लेंगे NH4OH प्लस ZnOH का होल ट्वाइस प्लस, बैलेंस करना आपका पार्ट है, बैलेंस कर सकते हो आप लोग SO4। ये क्या बनेगा? बिल्कुल उसी के जैसा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, देख लो, टेट्रा एमाइन अभी भी बनेगा, टेट्रा एमाइन। तो NH3 कितने है? पहले नाम है टेट्रा एमाइन का तो लिख लो NH3 4। इसके साथ जिंक आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिंक आएगा बाद में, बाहर आ जाएगा SO4। तो ये जिंक की बैलेंस थी प्लस टू, SO4 की माइनस टू और इसकी जीरो, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एमाइन जिंक, जिंक के बाहर में टू लिख ले वो तो लिख लो सल्फेट। ठीक है, ठीक है कि नहीं? अगर केवल इसके साथ रिएक्ट हुआ तो वो वाली भी कर लो भाई, क्या है उसको छोड़ दे। NH4OH केवल किसके साथ? जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या होगा? ये एक्सेस में है, NH4OH एक्सेस में है, तो क्या बनेगा? NH3 का होल 4 ZN और OH का होल ट्वाइस OH का सिमिलर, नाम क्या हो जाएगा? टेट्राएमाइन जिंक के ब्रैकेट में 2 और हाइड्रोक्साइड। इज इट डन और नॉट? किसी को समस्या है फिर से पूछ ले भाई, अभी सलोनी सर आ गया है, ठीक है आ गया सर आ गया, चलो यस सर ठीक है, हटा देते हैं इसको हम। अगर आप लोगों को ये चाहिए होगा तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, भेज दूंगा, वैसे तो पढ़ाया हुआ ही है। बहुत बारिश हो रही है भाई, हाँ
चलो तो हेडिंग देते हैं हम लोग, हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ लेते हैं चैप्टर 8। ठीक है, HCl पता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी है आपको पता है क्या, और एसिड भी है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस भी है और एसिड भी है। चलिए तो चैप्टर का नाम हम लोग हेडिंग में दे देते हैं, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। इसके अंडर में, हाँ रुद्र बोलो ना, बताइए। गैस तो एसिडिक होगी ना। चलो ठीक है, हम अभी बात करेंगे उसकी, पूरे दोनों की, गैस और एसिड दोनों की बात करेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर को करने वाले हैं, तो पहले तो हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में कुछ जान जाएं कि होता क्या है, कैसे है। फॉर्मूला सिंपल, सबको पता है HCl, सबको पता है कि फॉर्मूला भाई HCl है। ठीक है, किसी को कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं होगा कि ये HCl होता है, HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl। कौन सा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HCl है, ठीक है, कौन सा बॉन्डिंग होगा इन दोनों में, HCl में कौन सी बॉन्डिंग, कैसा कैसा कंपाउंड है ये, कोवेलेंट की आयोनिक। तो मैं बताऊं तो जाओ, कोवेलेंट है कि आयोनिक है, आदर्श आदर्श आप बता सकते हैं क्या, कोवेलेंट है कि आयोनिक है। अरे रुको ना, बताओ आदर्श, शेयरिंग हुआ है कि ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का, H और Cl में शेयरिंग हुआ होगा कि ट्रांसफर हुआ होगा, आप पूछ के। सर मैं बताऊं? हाँ तुम बताओ जतिन। सर इलेक्ट्रोवैलेंट। वाह जतिन वाह, वेरी गुड, ताली बजा, मजाक कर रहा, ताली बजा दो। हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, कैसे इलेक्ट्रोवैलेंट है सर, कैसा लगा मेरा मजा? तो मजाक करने के लिए बैठा है तू यहाँ पे। सर आपने आदर्श से पूछा। हाँ तो फिर तुमने बोला तो मैंने बोला ना तुमको, बोलो बताओ, तो तुम मजाक करने बैठे हो, फिर हम मजाक करेंगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हैं? अच्छा लगेगा बताओ। कोवेलेंट होगा ये, सबको पता है कोवेलेंट होगा। और कोवेलेंट में कौन सा है, पोलर की नॉन पोलर, ये बताओ। चलो जतिन, कोवेलेंट में पोलर है कि नॉन पोलर, ये बताओ। चलो जतिन। सर पोलर। पोलर है क्यों? जी नहीं पता, बस ये पद रट लिया है कि को पोलर है। रटा नहीं है सर। तो बताओ ना, वजह तो पता होगी ना, पोलर है तो क्यों है। चलो बताओ नित्या, आप बताओ पोलर है कि नॉन पोलर है। चलो पोलर तो सही है, लेकिन क्यों है पोलर, बताओ नित्या। सर पोलर है और क्यों है पोलर सर, क्योंकि नॉन मेटल है ना दोनों। अरे तो दोनों नॉन मेटल है तो क्यों पोल जनरेट होगा। सलोनी आप बताओ। सर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकलेगा, बट नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिल्कुल जीरो होता है। यस सर। हाँ सर, ये बात
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये खींचेगा, और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे होंगे किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। हमने डेफिनेशन यही पढ़ा है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि म्यूट कर लो आदर्श, कि आयोनिक कंपाउंड अरे कोवेलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया गया था, कि आयोनिक कंपाउंड में डिफाइन किया था क्या हमने, ये बताओ। हमने कोवेलेंट के अंडर में डिफाइन किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या आयोनाइजेशन एनर्जी हो, बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि भाई साहब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम और एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये पढ़ा था हमने। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हैं वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा खींचेंगे क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये बस काम खत्म, कोवेलेंट है उसमें भी कौन सा है, पोलर है। ठीक है भाई, मास कितना होगा इसका, इसका मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल है तो मास निकालेंगे, क्या होगा, वन हाइड्रोजन का वन प्लस 35.5 क्लोरीन का, कितना हो जाएगा 36.5 यू बोल लो और ग्राम बोल लो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा तो ग्राम में बोल दोगे, अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है तो यू में बोल दो, सिंपल। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग हमने देखा था, लेविस स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, क्या कैसे बनता है, हाइड्रोजन का केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं कितने, एक, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात, इन दोनों की शेयरिंग होती है, इन दोनों की शेयरिंग होती है, ये भी हमने देखा था, शेयरिंग होती है, इसका ऑर्बिटल इसके नजदीक आएगा, किसका ऑर्बिटल, क्लोरीन का और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आएंगे और शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, खत्म। यहां पे बीच में एक और दो एच सी एल, इसके छह इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, एक दो तीन चार पांच छ, इज इट ओके, यस सर। लेविस स्ट्रक्चर, और इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसी को कोई समस्या है भाई पूछ लेगा, ठीक, ये हो गया हमारा। अब ऑकरेंस की बात कर लें, ऑकरेंस की बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ऑकरेंस इधर हेडिंग डालते हैं, ऑकरेंस, गलत हो गया इसका स्पेलिंग ही, ऑकरेंस, ऑकरेंस, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में बताया था ग्लोबर ने, ग्लोबर ने सबसे पहले इसका एसिड बनाया था, ठीक है, इसका सबसे पहले उसने क्या बनाया था, एसिड, गैस की बात तो बाद में पता चली, पहले एसिड बनाया गया, पहले एसिड बना इसका, ग्लोबर प्रिपेयर्ड, ग्लोबर, ग्लोबर सॉल्ट का नाम भी सुना है आप लोगों ने, और हमने आपसे पूछा भी था तो आप लोगों ने फॉर्मूला बताया भी नहीं पाया था हमको, ठीक है, कोई बात नहीं। ग्लोबर प्रिपेयर्ड द एसिड, इस एसिड को एसिड, in 1648 में इसने बना लिया था, ठीक है, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, ठीक है, 1648 में, बाय हीटिंग, कैसे बनाया था, बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, मतलब NaCl विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
रिएक्शन कराया NaCl का तो बन गया इसका HCl। ठीक ओके यस और नो। फिर कहानी में आगे बढ़े हम लोग। पहले इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम म्यूरिएटिक एसिड रखा गया था, म्यूरिएटिक एसिड। लेवोजियर ने नाम रखा इसका, लेवोजियर जो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं, नेम्ड इट म्यूरिएटिक एसिड, म्यूरिएटिक एसिड। हम्फ्री डेवी ने फिर इसको 1810 में नाम बदल के रखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। डेवी इन 1810 रीनेम्ड इट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है चलिए कुछ पॉइंट HCl गैस के बारे में बात कर ले हम। HCl गैस जो होती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इट अकर्स फ्री इन नेचर। जब वोल्केनिक एमिशंस होते हैं, जब वोल्केनो आप लोग पढ़े होंगे, वोल्केनिक एमिशन जब होते हैं तो वहां पे HCl गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अकर्स फ्री इन नेचर, या फ्री स्टेट इन वोल्केनिक एमिशंस। ठीक आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होता है ये 0.2-0.4% गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। Of mammals, and it helps in digestion, अब अलग अलग दोनों का प्रिपरेशन देखना हमको, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का प्रिपरेशन देखना है, फिर एसिड के बारे में बात करनी है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है, लेबोरेटरी मेथड देखना है, और फिर एसिड की बात करेंगे, उसका प्रिपरेशन देखेंगे, उसका देखेंगे दोनों को अलग अलग। एसिड का बेसिक मेथड तो हमने देख लिया कैसे बनाया था, किसने, ग्लोबर ने, लेकिन बाद में हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं जनरल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ओके तो जनरल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, पहला मेथड है बहुत सिंपल, बाय सिंथेसिस।
पहला मेथड बहुत सिंपल है भाई, सिंथेसिस। भाई सिंथेसिस किसका किसका सबको पता होगा, किसका किसका सिंथेसिस करोगे भाई? हाइड्रोजन और क्लोरीन। खत्म। हाइड्रोजन और क्लोरीन का सिंथेसिस करोगे आपको HCl मिल जाएगा, ठीक है। मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस को कंबाइंस विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मॉइस्ट, समझ में आ रहा है जतिन? जतिन सब पता नहीं, संस्कार ठीक है तो? यस सर। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई? H2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी लिखा जाता है इसमें। ठीक है, कई जगह पे डिफ्यूज सनलाइट भी लिखा रहता है, डिफ्यूज्ड भी लिख सकते हो। तो क्या बन सकता है? 2HCl बन जाएगा आपका, 2HCl बैलेंस कर लोगे तो गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। डिफ्यूज्ड इसलिए रखते हैं, ये रिएक्शन काफी एक्सप्लोसिव नेचर की होती है, ये रिएक्शन काफी एक्सप्लोसिव नेचर की रखती है होती है इसलिए इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं देते हम लोग, डायरेक्ट सनलाइट नहीं दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता है, इस रिएक्शन में डायरेक्ट सनलाइट इज नॉट यूज्ड। लिख लोगे, दिस रिएक्शन इज वेरी एक्सप्लोसिव इफ डायरेक्ट सनलाइट is used, so diffused sunlight is used. Is it okay? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। डिफ्यूज का मतलब कोई कोई ढक के आएगा, मतलब डायरेक्ट नहीं आएगा, घर में रखा है कहीं खिड़की से आ रही है लाइट या कहीं से, मतलब कम आ रही है लाइट, कहने का मतलब ये है कहीं किसी मीडियम के थ्रू डायरेक्ट नहीं आ रही है। डायरेक्ट सनलाइट का मतलब नहीं समझते हो हैं? अरे कपड़ा ढक दिया, कुछ ढक दिया, अब लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही, अब डिफ्यूज कर दिया लाइट को, डिफ्यूज का मतलब फैला दिया, मतलब एक जगह पे कंसंट्रेटेड उतना उसकी इंटेंसिटी कम कर दी। चलो तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का डायरेक्ट सिंथेसिस आप डायरेक्ट सनलाइट में क्यों नहीं कराते हो, ये क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, कभी कभी तो इसको अंधेरे में कराते हैं, कभी कभी तो इस रिएक्शन को कैटलिस्ट यूज करके अंधेरे में करा देते हैं। कभी कभी तो इस रिएक्शन को लिख ही देते हैं उस बात को भी, कभी कभी ये रिएक्शन को अंधेरे में भी करा दिया जाता है। चलो कहाँ लिखते हैं, समटाइम्स इन presence of catalyst like activated carbon, and this reaction can take place
इन डार्क, ठीक है। अभी एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है, ये हाइड्रोजन को क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। एक्टिवेटेड कार्बन मतलब जिसको हम चारकोल भी कहते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन को चारकोल। दूसरा प्रोसेस है कि क्या है, सेकेंड मेथड है इसी के अंदर, सिंपल सिंथेसिस के अंदर ही, सिंथेसिस के अंदर ही सेकेंड मेथड है, बर्निंग द जेट ऑफ हाइड्रोजन, बर्निंग द जेट ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो, बर्निंग जेट ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो बर्न्स क्लोरीन, बर्निंग क्लोरीन फॉर्मिंग HCl। ये सिंपल है, ये ज्यादा नहीं पूछता है आपसे, ऊपर वाला पूछता है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सिंपल है, जो आप बर्न करेंगे हाइड्रोजन को क्लोरीन को तो HCl बनाएगा। दूसरा मेथड है, सेकेंड मेथड इज बाय हीटिंग, पहला हो गया बाय कॉम्बिनेशन, सेकेंड मेथड बाय हीटिंग सेकेंड मेथड है बाय हीटिंग मेटेलिक क्लोराइड, बाय हीटिंग मेटेलिक By heating metallic chloride with concentrated sulfuric acid, जो किया था उसने ग्लोबर ने, तो मेटल का क्लोराइड कोई भी ले लो आप, कोई भी का ले लो, मतलब कि मेटल क्लोराइड कोई भी ले लोगे आप, ठीक है, आप उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा दो कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड, क्या बन जाएगा आपको पता है कि सॉल्ट बन जाएगा, एक तो सॉल्ट बनेगा और दूसरा HCl गैस निकलेगी, कई बार रिएक्शन किया हुआ है, जरा देखो कैसे, क्लोराइड लेंगे तो HCl ही निकलेगी ना, NaCl है, ये देखा ही था, यही रिएक्शन तो कराया था उसने, H2SO4 Na2SO4 बन जाएगा और प्लस HCl, बैलेंस कर लोगे, CuCl2 है H2SO4, क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस HCl। अरे ठीक है, ऐसे रिएक्शंस में आप लोगों को ये जरूर लिखना होगा बेटा, बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे गैस लिखना, गैस लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, इज इट डन और नॉट, अब हम लोग वही जो मेथड था आपका, जो क्या नाम है, अरे आपके ग्लोबर ने बताया था, जैसे NaCl और H2SO4, यही मेथड हम लोग यूज करते हैं लैब के अंदर भी प्रिपेयर करने का गैस को, एक्चुअली उसने बोला था एसिड बनेगा लेकिन वो एसिड थोड़ी था, ठीक है, वो गैस प्रिपेयर होगी इस मेथड से, तो लेबोरेटरी मेथड कर लेते हैं हम लोग, लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस,
लेबोरेटरी मेथड में कुछ नहीं होता बेटा, प्रोसेस होता है उसको हम लोग को देखना होता है बस, कैसे कैसे क्या मिलाते हैं, कैसे डायग्राम डायग्राम होता है उसको करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? चलिए तो हम लोग लेबोरेटरी मेथड कर लेते हैं। तो लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, इम्पोर्टेंट है ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। क्या करते हैं हम लोग, वही रिएक्शन मैंने तो बताई दिया, बाय द एक्शन ऑफ इन लैब HCl गैस इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कॉमन सॉल्ट मीन सोडियम क्लोराइड, ऑन सोडियम। ये याद रखना कि यही वाला इसका लेबोरेटरी मेथड है। तो रिएक्टेंट में लिखते हैं हम लोग, जो प्रोसीजर होता है लिखने का, अगर आपको एग्जाम में पूछा कि राइट डाउन द लेबोरेटरी मेथड, तो उसमें तरीका होता है, एक ये चीज लिख दिया, उसके बाद हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट। क्या क्या है रिएक्टेंट भाई, उसका नाम लिखेंगे NaCl एंड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, फिर लिखते हैं हम लोग प्रोसीजर क्या लगाते हैं हम लोग, कैसे करते हैं इसको, तो प्रोसीजर क्या होता है इसको समझते हैं। हम लोग एपार्टस लेते हैं अपने औजार जो भी हैं, मतलब ट्यूब टेस्ट ट्यूब और ये सारी चीजें, तो उसको हम बना देते हैं, एक बार देख लेंगे आप लोग। तो चलो देखिएगा, सबसे पहले इधर हम लेफ्ट से चालू करते हैं।
ठीक है, बहुत तामझाम है इसमें। इधर ऊपर से हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, इधर से हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने रखा है एक सॉल्ट, हमने अंदर इसके NaCl रखा है, इसके अंदर हमने भर के रखा है NaCl, ठीक है, डाइल्यूटेड है, इसके अंदर NaCl रखा है। इसको नीचे से हम लोग एक स्टैंड से रखे हैं, इसको नीचे से हीट करना होगा हमको, ठीक है। हीट कर रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। और इसको एक स्टैंड्स के द्वारा इसको स्टॉप करके, मतलब इसको मतलब पकड़ के रखे हम लोग, इसको पकड़ के रखने के लिए, होल्ड करने के लिए, तो इसको होल्ड रखने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे स्टॉपर लगा है, यहाँ पे स्टॉपर लगे हैं, मैं बता देता हूँ, टाइट रखने के लिए उसको स्टॉपर रखे हैं। तो और इससे स्टैंड लगा हुआ है, होल्डर टाइप का है ये, ठीक है। ऐसे है, इसको स्टॉपर, इसके अंदर ये क्या है, NaCl है, आपको तो पता ही है कि इसके अंदर हमने NaCl भरा है। NaCl, HCl इसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप भर जा रहे हैं हम लोग, डालते जा रहे हैं NaCl ड्रॉप बाई ड्रॉप, जैसे ही इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें से ये गैस निकलती है, इसमें से क्या होती है, गैस निकलती है, फिर उसको यहाँ पे एक और कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर फिर से H2SO4 रखी हुई है, इसके अंदर अब H2SO4 रखा है कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें फिर से H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। फिर यहां पे क्या हुआ, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए जरा, यहां पे हमने स्टॉपर एक लगा दिया है,
और ये यहाँ से ये कंटेनर यहाँ से ऐसे ये स्टॉपर लगाया फिर ये कंटेनर बंद है, मतलब एक पाइप अंदर आ रही है ये पूरा डीप हो जाएगी इसके अंदर, ये जो पाइप है ये पूरी डीप हो जाएगी उसके अंदर एचसीएल गैस आ रही है, ठीक है ये डीप हो जाएगी ऐसे अंदर। फिर से यहाँ से एयर हम लोग इधर से एयर भेज रहे हैं, ये क्या है अब ये मैं कल समझाऊंगा अच्छे से और डायग्राम को। एयर इसके अंदर है ड्राई HCl गैस, सूखी चाहिए ना हमको, ड्राई चाहिए, मॉइस्ट नहीं चाहिए, इसमें क्या होगी मॉइस्ट होगी, तो इसको ये सुखाने का प्रोसेस है, ड्राई करने का प्रोसेस है, वही हम लोग देखेंगे कल देखेंगे, अब आज तो टाइम हो चुका है। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू, ओके, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, ओके।